हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है हारमन का इन्फिनिटी ग्लाइड 120 ईयरफोन। वायरलेस ईयरफोन है ये। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ जानेंगे कि मैंने इसको कहां से कितने प्राइस में परचेस किया और ये आपको कितने प्राइस में मिल जाएगा और इसको लेना वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइज, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये हारमन का इन्फिनिटी ग्लाइड 120 लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का पैकिंग मिल जाता है। पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त होकर आया है। इन्फिनिटी हारमन ग्लाइड 120 वायरलेस इन ईयर हेडफोन, डीप बास साउंड, हैंड फ्री कॉल। और वहीं इसकी बैक साइड में देखिए तो बैक साइड में इसका सारा डिटेल्स मिल जाता है। वहीं इसका MRP मेंशन है 2999 रुपीज़ का, यानी कि 3000 में ओनली 1 रुपीज़ कम। और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड है अक्टूबर 2022 का। इसमें आपको कस्टमर केयर नंबर सारा कुछ आपको मिल जाता है और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है हारमन के तरफ से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का पैकिंग है। तो चलिए हम पैकिंग को सिंपली ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम इसका जो पैकिंग है इसको हम बाहर निकाल दिए। अब हम यहाँ से कट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद हमारा जो अनबॉक्सिंग प्रोसेस है वो हो गया चालू। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर से आपको एक इसका यूज़र गाइडेंस मैनुअल मिल जाता है। आप देख सकते हैं, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, ये है। इसमें आपको सारा कुछ बता दिया गया है कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ आपको इसमें दिया गया है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये रहा इसका बॉक्स और ये रहा हमारा ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन। तो ये आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाता है। ये देखिए, ये जो ईयरफोन है कुछ इस प्रकार का मिल जाता है। और इसमें आपको एक केबल मिल जाता है जो कि आपका माइक्रो USB टाइप है, ये टाइप सी टाइप का नहीं है, जो कि मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। आज के ज़माने में आपको इसमें टाइप सी केबल देना चाहिए था, यानी कि टाइप सी स्लॉट ही देना चाहिए था। और इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाता है, चार ठोक, यानी कि मीडिया, ये सॉरी स्मॉल और जो सबसे बड़ा है वो आपको मिल जाता है। मीडियम तो यहाँ लगा हुआ है, ये है स्मॉल और ये है सबसे बड़ा, जो आपको मिल जाता है दो साइज। और ये वाला आपका इसमें मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट लगकर आता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको येल्लो कलर का आपको टोन मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको येल्लो कलर का टोन मिल जाता है। और रही बात इसके बैक साइड की, तो ये जो है आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपका देखिए, ये आपका मेटल में आता है। ये जो बैक साइड में है ये मेटल में आता है और ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक फ्रेम है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट प्लास्टिक फ्रेम, और यहाँ पे एक आपको यू टाइप का अलग से बना हुआ मिल जाता है जो कि आपके ईयर में जाकर लग जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो है ना, अच्छा इसका पकड़ बन जाता है, ये गिरता नहीं है। और वायर की क्वालिटी की बात करें तो वायर का क्वालिटी तो डिसेंट सा लगा मेरे को। इसका एक खास बात ये है कि आप इसको ऐसे लगा सकते हो, देखिए इसको आप ऐसे मोड़ सकते हो, जैसे कि आपको Realme में यहाँ पे आपको कॉलर जैसा मिल जाता है जिसको आप आराम से अपने मतलब कंधे में हैंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हैंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये मुड़ जाता है। आप देख सकते हैं, आप इसको जैसा मोड़ना चाहे आप इसको मोड़ सकते हो और ऐसे रख भी सकते हो, लेकिन इसमें आपको किसी भी टाइप का ऐसे कॉलर जैसा आपको हार्ड नहीं मिलता, ये बहुत सॉफ्ट मिलता है। इसको आप अपने कॉलर में लगा तो सकते हो बट गिरने का डर रहेगा क्योंकि ये हार्ड नहीं दिया गया है। और इसकी बटन की बात करें तो बटन आप देख सकते हैं, एक प्लस का मिल जाता है, एक माइनस का, एक पावर का मिल जाता है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए आपको अलग से दिया गया है स्लॉट, ये देखिए, ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है प्लस माइनस, और ये पावर का आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। और इसमें आपको कैप भी मिल जाता है इसको चार्जिंग के लिए लगाने के लिए, जो कि मेरे को ज़्यादा मजबूत नहीं लगा, ये कभी भी टूट सकता है बार बार अगर हम इसको ओपन करते हैं तो। और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का ब्रांडिंग मिल जाता है, ये देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का ब्रांडिंग भी मिल जाता है, ये देखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि आजकल रियलमी में जो फीचर्स मिलता है, जैसे कि ये
ऐसे हम इसको लगा दिए तो ऑटोमेटिक हमारा बंद हो जाता है, और इसको ओपन किए तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। आपको इसमें ऐसा फंक्शन ऑटोमेटिक वाला नहीं मिलेगा, इसमें आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं देखिए, मैं ये बटन को दबा रहा हूँ तो देखिए ये मैनुअली ऑन हो गया। ये देखिए, जब ये पेयर हो जाएगा तो ये ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा। अब देखिए, ये बंद है तो भी ये ऑन रहेगा, और ये ओपन रहेगा तो भी ये ऑन रहेगा। ऑटोमेटिक वाला इसमें सिस्टम नहीं दिया गया है, इसमें आपको मैनुअली ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। तो ये मैनुअली वाला जो सिस्टम इसमें आपको दिया गया है, वो मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक वाला आ रहा है तो ऑटोमेटिक इसमें देना चाहिए था। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है, उस प्राइस रेंज में इसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको फील होने वाला है, नो डाउटली। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको 850 से 1100 के बीच में अप डाउन होते रहता है, तो अगर आपको ये लेना होगा तो आप इसको ले सकते हैं। मैं बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको 850 से 1100 के बीच में ये आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर कोई ऑफर रहेगा तो इससे भी कम में आपको मिल सकता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।